अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ थेपली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं इस रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो चलिए रेसिपी कैसे बनाऊंगी चलो देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात करनी थी, जो मेरे वीडियो को सिर्फ देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी को थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए थेपला की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक डेची ले रही हूँ, उसमें मैं एक कटोरी आटा दूंगी, ठीक है। आप जितना आटा लीजिएगा उसका हाफ आपको बेसन लेना है। देखिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है तो मैं हाफ कटोरी बेसन ले रही हूँ। कटोरी आटा मैंने दे दिया, हाफ कटोरी बेसन इसमें मिक्स करूंगी। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिला लूंगी। उसके पहले आप अच्छी तरीके से साबुन से अपना हाथ धो लीजिएगा, फिर उसके बाद कीजिएगा। कभी भी जब भी कुकिंग करते हैं अच्छे से अपना हाथ धो लीजिएगा साबुन से, सैनिटाइजर मत यूज कीजिएगा क्योंकि उसमें अल्कोहल रहता है, तो इसलिए बेटर है आप साबुन से अच्छे से हाथ धो लीजिए। मैंने आटा और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। मैंने काला जीरा और अजवाइन दोनों को साथ में ही सेम प्रपोर्शन में मिक्स कर लिया था, मैं उसको मिक्स करूंगी इसमें, उसको भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। रेड चिली पाउडर, आप रेड चिली पाउडर दीजिए इसमें थोड़ा सा। मैं बिल्कुल थोड़ा सा दे रही हूँ, आपको अगर ज़्यादा तीखा खाने का मन करे तो आप ज़्यादा दे सकते हैं इसमें रेड चिली पाउडर। मैं थोड़ी सी हल्दी दूंगी इसमें, थोड़ी सी हल्दी दे रही हूँ। एक एक चीज डालते जाऊंगी और मिक्स करते जाऊंगी और थोड़ी सी मुझे हल्दी लगेगी इसमें रिक्वायरमेंट। अब मैं इसमें धनिया दूंगी, धनिया पत्ती। नमक स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक दीजिएगा, क्योंकि अगर नमक कम दीजिएगा तो ये टेस्ट नहीं लगेगा खाने में, तो इसलिए नमक अपने स्वाद अनुसार कम मत दीजिएगा, अपने स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिला लूंगी, उसके बाद मैं थोड़े थोड़े पानी से इसको गूंथना चालू करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी देना है, एक बार में ज्यादा पानी मत दीजिएगा वरना आटा गीला हो जाएगा। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने छोड़ दूंगी, ज्यादा देर के लिए नहीं रखना है, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी, वरना इसमें बेसन दिया हुआ ये काफी स्टिकी बन जाएगा
और ये देखिए आप देख सकते हैं चिपक रहा है अभी से ही, तो इसको मैं ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको बस रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी, 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी ढक। पाँच मिनट हो गई है, आटा भी सेट हो चुका है, अब मैं थेपला बनाना स्टार्ट करूंगी। चलिए थेपला बनाते हैं, स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको बहुत समय क्या होता है कि बेसन की वजह से ना आटा गीला लगता है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आटा लेके आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा हार्ड बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा नरम रहने से आप इसको सेक नहीं पाइएगा। तवा गर्म हो चुका है, मैं एक एक थेपला दूंगी, उसको फ्राई करते रहूंगी। इसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसन रहता है, तो इसको इसलिए अच्छे से फ्राई कीजिएगा। देखिए फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए दोनों साइड, उसके बाद इसको रिफाइंड ऑयल से या घी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे इसको फ्राई कीजिए। आप घी से भी कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से भी कर सकते हैं। इसको आप ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, या तो टिफ़िन में आप आराम से इसको ले जा सकते हैं। टिफ़िन में भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं। इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलिएगा, देखिए मैंने किस तरीके से पतला बेला है, इसी तरीके से पतला ही बेलिएगा इसको। इसको ज़्यादा मोटा बेलने से ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब मैं ये रेडी टू सर्व, अब मैं इसको सर्व करूँगी। चलिए देखिए मैंने खीर और इसको एक ग्रेवी वाली सब्जी के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इसको हमेशा ग्रेवी वाली सब्जी के साथ ही बनाइएगा, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी अगर नहीं बनाइएगा तो ये खाने गले में फंसेगा खाने में, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी बनाइए। आलू की मैंने आलू की सब्जी बनाई है और खीर उसके साथ इसको मैंने सर्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये रेसिपी पसंद आए, तो बहुत सारा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।